प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव को नजदीक देखते हुए 18 साल बाद बहने याद आने लगी है। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्रांति लाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लूट, झूठ तथा फूट में जमकर क्रांति लेकर आए। 160 विधानसभाओं में विकास यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह काफी विरोध हुआ, जो आप सबके सामने है। उक्त बातें खातेगांव आगमन पर प्रेस वार्ता में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यक्त करते हुए कहा कि जनता इनकी कथनी करनी को समझ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं की मशीन नहीं, झूठ की मशीन साबित हुई है। वादे प्रतिदिन बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। आज खातेगांव ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी में पिछड़ जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है, अपराध के क्षेत्र में ग्राफ जरूर बढ़ा है। खातेगांव आगमन पर सेक्टर तथा मंडलम अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी की। इसके बाद डाक बंगला मैदान परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। प्यारी बहन का योजना ला रहे, देश भर में ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े है। सबसे ज्यादा आपका क्या काम हमारे आदिवासियों पर, हमारे कमजोर वर्ग पर, हमारे महिलाओं पर। मध्य प्रदेश नंबर वन है, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम गए, और ये दिखाएंगे आपको 40 लाख की जो रजिस्टर हुए हैं। आज के दिन तो नौजवान रजिस्टर भी नहीं होना चाहता। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मध्य प्रदेश में नौजवानों के भविष्य की है। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया, पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए। सही बात है, हम कहां घसीटे जा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया बाबा साहब ने, ऐसे देश को दिया जहां की विविधता और इसकी अनेकता है। बाबा साहब अंबेडकर का बना हुआ संविधान पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल की, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहता हूं? आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप इस शिवराज सिंह जी की सरकार का 18 साल, आज ये अन्याय योजना की बात करते हैं, 18 साल आपको हमारी पहले याद है, मध्य प्रदेश को नंबर वन बना दिया, महिलाओं पर अत्याचार कर मध्य प्रदेश को नंबर वन बना दिया। अब जब चुनाव सामने आया, बहनों की बात कर रहे हैं, रोज ये घोषणा करते हैं। ये केवल शिवराज सिंह जी घोषणा मशीन ही नहीं है, ये तो झूठ की मशीन भी है। इनका खाना नहीं हजम होता, इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये देश झूठ हो जा रहे। आज पिछले 7 महीनों में रोज कोई ना कोई घोषणा, कभी कर्मचारियों के बारे में 3.25 लाख करोड़, कितना 3.25 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। 25 साल से हारे और आधे गांव की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब की व्यवस्था, सिंचाई, ये आज हम जनता के सामने। शिवराज जी ने अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में पंच क्रांति की घोषणा करी ना। कौन सी पंच क्रांति? शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति, आवास क्रांति, महिला सशक्तिकरण क्रांति, सभी के सम्मान की क्रांति। ये क्रांति उनको 18 साल बाद याद आई, 18 साल बाद इनको बहनें याद आई। चुनाव 5 महीने दूर है और ये सब बातें इनको आज याद आने लग गई। पर मध्य प्रदेश में 18 साल से जो पांच क्रांति चला रहे हैं उसको बताना भी जरूरी है। लूट क्रांति, झूठ क्रांति, फूट क्रांति, ढूंढ क्रांति, खून क्रांति, ये 18 साल का इनका इतिहास है। आज जनता को ये हिसाब नहीं दे पा रहे कि इन्होंने 18 साल में क्या किया। विजय यात्रा निकाली 160 विधानसभा में, इस विजय यात्रा का विरोध हुआ 160।
ये तो मीडिया में आया। आज खातेगांव जो पिछड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिवराज जी रोज लगातार कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। ये केवल घोषणा की मशीन नहीं है, ये तो झूठ की मशीन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।